शुरुआत दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पिस्तौल की नोक पर दरिंदगी को अंजाम दिया और एमएमएस भी बनाया। पुलिस ने 5 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रेप के बाद इन लोगों ने पीड़ित लड़की को धमकी दी कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो एमएमएस को इंटरनेट पर डाल देंगे। नाबालिग पीड़िता की तबीयत खराब होने के बाद घर वालों को इसके बारे में पता चला। मामला 19 जुलाई का है, जब वो स्कूल जा रही थी तभी एक आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर अपनी बाइक पर बिठाया और उसे नजफगढ़ ले गया, जहां पर 5 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। दो बंदे वहां पे खड़े थे बाइक में बिठा करके और झड़ौदा कला लेके जा रहे थे, फिर रास्ते में 2 बंदे और मिले बाइक पे, वो झड़ौदा कला लेके गए। ये लड़की ने कल बताया है, 19 तारीख की घटना थी, पिस्टल निकाल के धमकी दिखाया कि तो नजफगढ़ में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। इस वक्त नरेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेश, 5 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या उनसे जो जानकारी मिलेगी उसके बाद 2 आरोपियों को और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने अब कवायद तेज कर दी है? कवायद काफी तेज कर दी है, 3 लोग गिरफ्तार यहां पर किए हैं। हालांकि अगर हम सूत्रों की माने तो इनमें से 2 माइनर हैं, 2 जुवेनाइल्स हैं और उनको पुलिस ने यहां पर पूछताछ के लिए थाने में रखा हुआ है। दूसरी चीज यहां पर यह कि 19 तारीख का इंसिडेंट है और 19 तारीख के बाद ये 10वीं की जो छात्रा है 6 दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी। उसके बाद इसके घर वालों ने जब इसके कारण पूछा तो इसने कारण बताया, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। उसके बाद इसने जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो तमाम यहाँ पर सवाल से खड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और एमएमएस बनाने वाला जो छात्र था उसकी यहाँ पर पुलिस सरगर्मी से तलाश भी कर रही है। दूसरी चीज यहाँ पर यह कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, माइनर लड़कियां सुरक्षित नहीं है, नाबालिग लड़कियां उनके साथ भी लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं तानिया। और ये पहला मामला नहीं है, उत्तम नगर से लड़की को अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद उसको नजफगढ़ के फ्लैट में ले जाया जाता है और वहां पर एक पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की यहां पर छानबीन कर रही है और जो 2 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं उनकी भी यहां पर सरगर्मी से तलाश की जा रही है। नरेश, जो आरोपी इस लड़की को बाइक पर बैठाकर ले गया था, क्या वो पहचान वाला है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, जान पहचान वाला ही वो शख्स है और इसका ही वो दोस्त भी बताया जा रहा है, क्योंकि बाइक पर कोई भी लड़की, किसी भी लड़की को ऐसे किडनैप नहीं किया जा सकता है और उसी के चलते लड़की अपने आप ही उसके साथ गई थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाने वाला है। लिहाजा यहाँ पर 5 लोग उसका पहले से ही वहां पर इंतजार कर रहे थे और इन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जो उसके जानकार है उनसे भी यहाँ पर सख्ती से पूछताछ कर रही है और जो फरार लोग हैं उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो दिल्ली में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है जिनमें से 5 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने उनसे भी यहाँ पर सख्ती से पूछताछ कर रही है और जो फरार लोग हैं उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो दिल्ली में नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है जिनमें से 5 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। 2 और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कोशिश